खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस समय हम मौजूद है मैक कंपनी पे, राशन कार्यालय है वहीं पर। और राशन कार्यालय का जो मुद्दा था वो काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों के सवालात थे कि राशन कार्यालय पर जो है पूछताछ के लिए हम आ नहीं सकते क्योंकि हमें जो है चावल नहीं मिलता, गेहूँ नहीं मिलता। और सरकार के ऐसे काफ़ी सारे जो है चीज़ें राशन दुकान पर आई थी लेकिन वो जो है लोगों तक पहुँच नहीं रही थी। तो इस सारे मुद्दे को लेकर के जावेद सिद्दीकी साहब जो है उन्होंने पत्र व्यवहार किया था और मंत्रालय तक तो ये बात जो है वो पहुंचाया था। कब आपने ये लेटर दिया था और क्या मांगनी थी? अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मुमरा शहर की जो मेक कंपनी है, जो राशन विभाग है, वहाँ अधिकारी से हमने बात किया है कि मुमरा शहर में जो 10,000 राशन कार्ड जो है रद्द किया गया है वो काफ़ी लोगों में बहुत गंभीर बातें चल रही थी, तो उसके लिए हमने आज पूरा पुष्टि किया है। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि राशन कार्ड किसी का कैंसिल नहीं हुआ है। राशन जो नहीं लेता था उसका राशन कैंसिल हुआ है। और आप सभी मुमरा के रहवासी से मेरी गुजारिश है कि जिसका राशन नहीं दे रहा कोई दुकान वाला, आप डायरेक्ट आके राशन की दुकान में आप आधार कार्ड जो भी डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे सबमिट करके और वैलेट कर लें, उनको भी राशन मिलना चालू हो जाएगा। इस संबंध में हमने यहाँ पे तकरार किया था 17/5/2020 को कलेक्टर साहब को। कोरोना की महामारी में जब लोगों को जो दाल चावल गेहूं जो भी सरकार की तरफ से बताया गया था उसके ऊपर हमने उनसे पूछा कलेक्टर साहब से, तो आज तक जवाब नहीं मिला। आज उन्होंने बोला है कल जो है आपको हम देंगे कि कौन सी दुकान में किसको राशन क्या चीज़ मिलता है क्या सरकार की तरफ से, तो उसका भी हमने जागृत खुलासा किया है। तो मैं मुमरा शहर वासियों के उन लोगों पे बात में भरोसा करो जो राजनीति खेल रहे हैं। कुछ दिनों पहले कुछ राजनीतिक दलों के लोगों ने कहा 10,000 राशन कार्ड कैंसिल हो गया है, वो बेबुनियाद बात है। 10,000 राशन कार्ड नहीं कैंसिल हुआ है, 10,000 लोग तकरीबन जो अपने अपने दुकान राशन के ऊपर जिन्होंने राशन नहीं लेते थे, खाली राशन उनका जो है नहीं हुआ कैंसिल हुआ है। तो मेरी गुजारिश है कि आप आके राशन की दुकान में अपने डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करें और राशन फिर से चालू करेंगे। तो ये हमारी मांग थी और इंशाल्लाह ये मांग पूरी हुई है। अच्छा, ये पूरी मांग जो थी और इसी में एक सवाल ये था कि काफ़ी सारे जो आपने बोले कोरोना काल में तेल दाल और चावल और गेहूँ आए हैं, तो ये लोगों तक पहुँचा नहीं है, तो जो ये ब्लैक में बेचे है ये सारी सामान को उन पर किस तरीके की कार्रवाई की मांग आप जो है यहाँ कार्यालय पर आके करेंगे? मैं देखो कलेक्टर साहब को एक साल पहले मैंने 2020 में पत्र इस ये संबंध में दिया था, जिस सरकार बोल रही है कि दाल चावल गेहूं शक्कर गरीबों को हम दे रहे हैं, लेकिन यहाँ हमने निकाला है कि किसी को नहीं, खाली चावल और गेहूं ही खाली लोगों को मिला है। इस संबंध में हमारी तकरार चालू थी और इंशाल्लाह कल या परसों जो हमको पत्र देंगे कि सरकार के तरफ से हकीकत क्या क्या जनता को दिया गया है, तब उसके बारे में हम इनको कार्रवाई करने की बात करेंगे। ठीक है, जैसे अभी जावेद सिद्दीकी ने सारी बातों को जो है अपने सामने रखा और राहिल भाई भी थे, राहिल भाई जैसे जावेद भाई ने सब किया है, तो क्या लगता है कि जनता के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कहीं ना कहीं राशन दुकान वालों ने भी किया है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं कि हमारे जावेद भाई इतना काम कर रहे हैं। ये पत्र मई के महीने में दिया गया था, कुछ मई के महीने 2020 में दिया गया था, या ये बात को 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है। तो लोगों की अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए आप कि आपका राशन कार्ड बंद हो गया है, 10,000 लोगों का बंद हो गया है। आप ये जो मेन ऑफिस है मेक कंपनी में राशन कार्ड की, आप इसमें आके आपका खुद का चेक कराए, किसी की बातों में ध्यान ना दे अफवाहों पे। और जो राशन कार्ड जैसे कि आपने बोले कि राशन के इधर जो घपला होता है, जो प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको तो मैं सीधा यही मांग करूँगा कि उन लोग पे सीधा कानूनी कार्रवाई हो, उनको सस्पेंड किया जाए। और जो ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप डायरेक्ट मेक कंपनी के हेड ऑफिस में आके आप संपर्क करें और अपना राशन कार्ड को बराबर से बना लीजिए, जिसका बराबर नहीं है, और जो बनाना चाहते हैं नया वो भी जाके बना लीजिए। जैसे राहिल जी ने पूरी बात रखी है, आप देखिए कि राशन कार्यालय बिल्कुल यहाँ पर आपको आने के लिए किसी भी तरीके का चार्जेस नहीं लगेगा या किसी ऑफिसर से बात करने के लिए आपको कोई ज़्यादा लंबा अरसा नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो काम है वो डायरेक्ट होगा। आप लोग भी जो है किसी भी तरीके के एजेंट के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि यहाँ जो काम है वो सभी सरकारी काम है और ये जो है मुफ्त में होगा।
तो ये सब अफवाहों पर भी आप जो है ज़्यादा ध्यान ना दें। अब देखते हैं कि जावेद सिद्दीकी के इस प्रयास को आगे किस तरीके से वो लेकर के जाते हैं। मुमरा शहर में राशन कार्ड को लेकर के काफ़ी सारे सवाल जो है वो वायरल हो रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि 10,000 जो राशन कार्ड है वो कैंसिल हुए, रद्द हुए। तो उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राशन कार्यालय पर आर्य साहब मौजूद है। आर्य सर, जिस तरीके से 10,000 लोगों का जो राशन कार्ड कैंसिल हुआ, ऐसी अफवाहें फैल रही है, क्या रोशनी डालना चाहेंगे बात? ये कार्ड कैंसिल नहीं हुए, जिन लोगों ने 3 महीने सेलेक्ट राशन नहीं लिया है उनका जो राशन है टेम्पररीली स्टॉप किया है। जब 10,000 का है वो? हाँ, नहीं कैंसिल नहीं हुए, कार्ड नहीं कैंसिल हुए, उनके ऊपर जो अनाज मिलता है वो बंद कर दिया है। जब भी उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स दे देंगे तो और दोबारा चालू हो जाएगा। जिस तरीके से अभी जो राशन आ रहा है लोगों को मिल नहीं रहा है, ऐसा लोग शिकायतें कर रही है, क्या वो आप सभी को जो है बातें पता है आप लोगों को, या किस तरीके से आप ये बातों पर ध्यान दे रहे हैं कि राशन कार्ड लोगों तक पहुंच रहा है या राशन पहुंच रहा है, क्या मसला आपके पास आया ऐसा? पहुंच रहा है, अब ऐसा तो कोई आया नहीं है, किसी किसी दुकान में थोड़ा सा लेट पहुँचा है तो वहाँ पर थोड़ा लेट डिलीवरी हुआ है, ऐसा ही, दूसरा कुछ नहीं। और ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई TV। कैमरामैन नावेद कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई TV, मुमरा।